जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि SSC की हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमारे द्वारा पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है SSC ने जो है एक नोटिस जारी किया आपके साथ, अभी जो है जस्ट जो है नोटिस आया हुआ है, ठीक है। तो इस नोटिस में क्या कुछ किया है SSC GD वालों के लिए भी, यहाँ पर मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी रिसीव्ड आंसर की जो है कब तक आएगी, ठीक है। उसमें आप लोगों को एक बात और बता दूँ, आपकी जो CND, ठीक है, जो आपके स्टेनोग्राफर CND के जो पेपर हुए थे उसकी जो है आल शिफ्ट, ठीक है, आल शिफ्ट के जो है पेपर का PDF आपको मैं जल्द से जल्द जो है प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है फ्री में PDF मिल जाती है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो आज नोटिस आया हुआ है उसके बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 तारीख को एक नोटिस आया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर Grade C & D, ठीक है, एग्जामिनेशन 2018 अपलोडिंग फॉर आंसर की, ठीक है, अलाउथ विथ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर की जारी हो चुकी है स्टेनोग्राफर CND एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो ये आंसर की जो है आज ही के दिन जो है जारी की गई है, तो इसको जो है आपको क्वेश्चन पेपर के साथ जो है आंसर की मिल जाएगी। अब इसको किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को मैं SSC GD वालों के लिए भी बताऊंगा कि आपके रिसीव्ड आंसर की क्या जो है अपडेट यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा SSC जो है आपका CND ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक नोटिस आया हुआ है, ठीक है, आज ही की डेट में जो है ये नोटिस आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर CND, ठीक है, इन लोगों के लिए जो है नोटिस आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम हुई थी कब क्या हुई थी सभी चीज़ें यहाँ पर जो है बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ को आप इसको किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आप सबसे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है एक लिंक मिलेगा, ठीक है, इसी जो है नोटिस में जो है लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है क्लिक कर लीजिएगा जो लिंक पर, ठीक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते तो आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको लॉगिन कैंडिडेट करके बोल रहा है, ठीक है। तो user ID यहाँ पर आप लोगों को डालना है और पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ठीक है। पासवर्ड और user ID डालने के बाद जो है इस पर लॉगिन कर देंगे, ठीक है। तो आपके सामने एक जो आपके आंसर की हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इनकरेक्ट जो कैंडिडेट बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मेरा जो है मतलब कोई गलत है ये, ठीक है, ये मेरे पास जो है प्रॉपरली किसी का है नहीं है, तो इस वजह से जो इनकरेक्ट। तो आप अपना जो है सही user ID और पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ SSC GD वालों के लिए, ठीक है। तो SSC GD वालों के लिए जो यहाँ पर देखिए SSC ने जो है आपका जो आपकी SSC की CP कहना चाहिए SSC GD की जो रिसीव्ड आंसर की आने वाली है, ठीक है, तो वो आपकी जो है कब आने वाली, तो वो आपकी 10 से लेकर 15 तारीख के बीच आप जाएगी, ठीक है। 10 से लेकर 15 जून के बीच आपकी रिसीव्ड आंसर की आ जाएगी, क्योंकि आपका जो है 21 को रिजल्ट है। अब 21 को रिजल्ट है तो 21 को रिजल्ट के कम से कम उसको जो है कम से कम आपको 8 से 10 दिन पहले जो है कोई भी एग्जाम अगर होती है तो उसकी जो रिसीव्ड आंसर की आती है वो 8 से 10 दिन के पहले आती है, ठीक है। तो आपकी आज 7 तारीख हो गई, ठीक है, तो आपको जो है 10 से लेकर 15 के बीच जो है आपकी रिसीव्ड आंसर की यहाँ पर आने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।